इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, वर्षों पहले सूखे की मार झेल रहे जिले के सुकृत इलाके की गरीब आदिवासी जनता के लिए बैजू बाबा ने तपस्या की थी। इसके बाद अचानक पहाड़ी से जल का स्राव शुरू हो गया। इसी का पानी पीकर यहां की गरीब आदिवासी अपनी प्यास बुझाई। तब से लेकर आज तक तपती हुई गर्मी में भी यहाँ पानी का स्राव लगातार होता रहता है, जबकि इसके दूर दूर तक कोई जलाशय नहीं है। मान्यता ये है कि यहाँ बैजू बाबा आके जो है इधर आसपास कहीं पानी का कोई व्यवस्था नहीं था और यहाँ हजारों लोग जैसे रहते थे और बैजू बाबा यहाँ आके तपस्या किए थे और यहाँ से तपस्या जब किए तो यहाँ से पानी निकलना चालू और जब पानी निकलना चालू हुआ तो सारे लोगों को पानी का व्यवस्था हो गया। अब पानी आज तक कभी कितने भी लोग आए पानी कभी सूखता नहीं है यहाँ का। यहाँ सुकरू से 2 किलोमीटर ये बैजू बाबा का ये पानी कहाँ से आता है क्या जानकारी? इधर कोई जलाशय है? पानी का कोई इधर आसपास कोई जलाशय नहीं है और यहाँ पानी कहाँ से आता है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन पानी कभी सूखता नहीं है यहाँ पे। चाहे कितने भी लोग आ जाए पानी पिए कभी पानी सूखता नहीं है। आपका कुछ भी पेट में गैस जो भी अगर इस पानी को पी लीजिए तो कोई बीमारी नहीं हो सकती है और ये पानी जो है आपका मिनरल वाटर से कम नहीं है। मान्यता इसका ये है कि बैजू बाबा यहाँ आए त्याग तपस्या के लिए तो यहाँ वो अपना स्थान जमाए आसन जमाए तो देखे यहाँ 50 किलोमीटर दूरी के पर पानी कहीं नहीं था तो अपना पांव जमाए त्याग तपस्या किए और गंगा महारानी को लाए यहाँ। कितनों सूखा पड़ जाए लेकिन ये चलता रहता है। तो क्या मान्यता ये है कि जैसे आपके पेट में दर्द उर्द है कोई पथरी उथरी का शिकायत है तो 1.5 महीना लगातार पी लेंगे तो सब दुख दूर हो जाएगा।